strongest T20 superhero in the Finisher's role. गाइस प्रीव्यू में वीडियो जो देखे वो वीडियो कैसे बनाए, वीडियो बनाने के लिए दो ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, एक इलाइट मोशन और दूसरा कैपकट। ये दोनों ऐप का ज़रूरत पड़ेगा और ये अगर नहीं है तो गूगल से जाकर डाउनलोड कर ले, और अगर चाहते हो अगर मिल जाए तो भाई मेरे को DM कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा इसका APK वर्जन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो क्रिएट करके मैं रखा हूँ, बस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, वैसे ही फॉलो करना है, वीडियो बन जाएगा। अगर स्टार्टिंग में इमेज रखना चाहते हो तो इमेज रख लेना, इमेज रख कर वीडियो बनाना चाहते हो तो इमेज रख के, अगर वीडियो रख कर वीडियो बनाना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करके YouTube से डाउनलोड कर लेना या फिर कहीं से भी विराट कोहली का एक नॉर्मल सा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जाएंगे इसमें टेक्स्ट में जाकर टाइप कर लेना, ठीक है। टाइप करने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच में जाना, यहाँ पे चार्मिंग फीमेल का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा, VPN कनेक्ट करके कर लेना, ठीक है। Who's the strongest T20 superhero in the Finisher's world? उसके बाद वीडियो पे ब्लर डालने के लिए इफेक्ट में जाना, वीडियो इफेक्ट में जाना, बेसिक में जाना, ब्लर का एक Finisher's world. यहाँ से फिक्स भी कर सकते हो ब्लर, अगर ज़्यादा करना है ज़्यादा, कम करना है कम। Finisher's world. मैं पहले से ब्लर का एक ऑप्शन डाल के रखा हूँ, तुम लोग डाल लेना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आता है एक पिक, अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो क्रोम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मिलता है, अगले वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि हाउ टू डाउनलोड इमेज फ्रॉम वेबसाइट, उसकी वीडियो एक दो दिन में आ जाएगी, ठीक है। इमेजेस रख लेना, इमेज में इफेक्ट, मैंने इफेक्ट ये सबसे ज़्यादा वर्टिकल ये यूज़ कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट सब में मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सेक इफेक्ट बहुत सारा इसमें, जो भी अच्छा लगे यूज़ कर लेना। और फिर ओवरले में जाना, ओवरले में जाकर, ठीक है, जो भी कंट्री का फ्लैग है कंट्री का फ्लैग यूज़ कर लेना, ठीक है। और तो इसमें जाकर फ्लैग में जाकर स्पेलिस में जाकर इधर जाकर फिल्टर का एक ऑप्शन आएगा, इसमें से तुम डार्कनेस को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ब्राइटनेस को एडजस्टमेंट कर लेना अपने हिसाब से, जैसा भी पिक रहे हैं, जैसे ये और हमें थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। तो ये बाद में जाकर एडजस्टमेंट कर लेना, इसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। 1080 रिजोल्यूशन, ठीक है, फ्रेम रेट ज़्यादा से ज़्यादा 30-50 रखना या 60 रखना, ठीक है, मैक्सिमम रखो तभी बढ़िया रहेगा, स्मूथ प्लेबैक दिखाई देगा। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद फिर हम, मैंने पहले से ही एक्सपोर्ट करके रखा है, तो एलाइट मोशन का ऐप का ज़रूरत पड़ेगा। अगर एलाइट मोशन नहीं है तो गूगल में जाकर डाउनलोड कर ले, अगर कोई दिक्कत आ रहा है डाउनलोड करने में मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना। प्रोजेक्ट पे जाना, मैंने खुद का एक क्रिएट करके रखा है इधर, ठीक है, वीडियो का, ठीक है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 3-4 मैंने खुद से क्रिएट करके रखा। अगर किसी को अगर इस पे वीडियो अगर चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कि भाई मेरे को एलाइट मोशन का कैसे बनता है क्रिएट करके मेरे को बता देना, ठीक है। और इफ़ेक्ट का देखो, इफ़ेक्ट पता चल जाएगा कितना डिफरेंस क्रिएट करता है, इफेक्ट कितना डिफरेंस क्रिएट करता है देख लो, फोटो को एकदम नेक्स्ट लेवल का बना देता है, ठीक है। यही है मेरा लाइट मोशन में एडिट करने का एक बेस्ट टैक्टिक। और भी अगर कुछ चाहिए, अगर रिलेटेड वीडियो के रिलेटेड अगर बनाने के लिए, तो मैं बना दूंगा, डोंट वरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना।